सो गाइस, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि मान लीजिए किसी भी व्यक्ति की या किसी एक्ट्रेस की या किसी भी एक पॉपुलर जो भी ह्यूमन होते हैं, जो भी आदमी होते हैं, जैसे बहुत सारे लोग होते हैं जो कि बहुत सारी जिनके फैन फॉलोइंग होती है, तो अगर उनकी मान लीजिए डेथ हो जाती है किसी भी कंडीशन से, तो उनका जो सोशल मीडिया अकाउंट्स होते हैं, जो भी जितने भी उनके सोशल मीडिया होते हैं, जैसे इंस्टाग्राम हो गया, ट्विटर हो गया, और भी बहुत सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स होते हैं जिन पर वो एक्टिव रहते हैं, अपनी पोस्ट शेयर करते हैं, फोटो शेयर करते हैं, वीडियो शेयर करते हैं, तो क्या होता है उस अकाउंट के साथ में? क्या वो अकाउंट को कोई और यूज़ करता है, या फिर उनके अकाउंट को बंद कर दिया जाता है, या आखिरकार रियलिटी में होता क्या है उनके अकाउंट के साथ में? तो ये सवाल हर किसी के माइंड में आता होगा, हर किसी के दिमाग में ये चीज़ चल रही होगी मेरी इस बात को सुन करके कि आखिर होता क्या है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ मैं कि क्या होता है आखिर जब कोई भी व्यक्ति मर जाता है, डेथ हो जाती है, और उसका जो सोशल मीडिया अकाउंट होता है उसके साथ में बाद में उसके साथ क्या होता है, क्या वो किसी का कोई और यूज़ करता है, या फिर वो बंद कर दिया जाता है, ब्लॉक कर दिया जाता है, आखिर होता क्या है, ये सारी बात आज की वीडियो आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो हमें बहुत ही इंटरेस्टिंग जानने के लिए इंटरेस्टेड हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अगर चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो हे गाइस, दिस जीटू एंड यू वाचिंग फैमेटिक यूट्यूब चैनल। सो गाइज, हाल ही में अभी एक हमारे बॉलीवुड के एक्टर जो कि बहुत ही जाने माने थे, सुशांत सिंह राजपूत, जिन्होंने सुसाइड किया था, उनकी डेथ हो गई। तो मैं आज आपको बताऊंगा कि उनका जो इंस्टाग्राम अकाउंट है उनके साथ क्या हुआ है, उसको कोई और यूज़ कर रहा है, या फिर वो बंद हो गया, या उनके साथ आगे क्या होगा उसके इंस्टाग्राम अकाउंट के साथ में। तो वीडियो में बने रहिए गाइज, मैं आपको पूरी डिटेल में आज बताने वाला हूँ। देखिए क्या होता है कि मान लीजिए अगर किसी की डेथ हो जाती है, और जैसे मान लीजिए बहुत ही बड़ा कोई एक्टर है या फिर कोई सेलिब्रिटी है, उसकी डेथ हो जाती है, उसका सोशल मीडिया पर अकाउंट है, तो उसके बाद क्या होता है, मान लीजिए डेथ होने के बाद में इसमें दो कंडीशंस होती हैं। एक तो होता है कि वो ऑटोमेटिकली उस अकाउंट को रिमेम्बराइज कर देते हैं, यानी कि उस पर लिखा जाता है रिमेम्बरिंग, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए किसी की डेथ हो गई, ठीक है, डेथ होने के बाद में, जैसे कि मैं अभी सुशांत सिंह राजपूत का आपको स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ, देखिए इनकी डेथ होने के बाद में इनके अकाउंट के ऊपर रिमेम्बरिंग लिखा आ रहा है, यानी कि यादें, यानी कि कुछ, यानी कि जो भी इनकी पिक्चर्स हैं, जो भी इनकी वीडियोज जो कि इन्होंने शेयर किए हैं, तो वो बस यादें रह गई हैं, ये अभी एक्टिव नहीं है अकाउंट, ठीक है। तो इस तरीके से लिखा हुआ आ जाता है यहाँ पर, यानी कि रिमेम्बरिंग लिखा हुआ आ जाता है मरने के बाद में। ये कैसे लिखा जाता है ये मैं आपको बता दूँ। देखिए इसके कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं, जैसे कि मान लीजिए इनकी डेथ हुई तो इनके न्यूज़ आर्टिकल वगैरह निकले ही थे, तो उससे जो इंस्टाग्राम वाले हैं उन्होंने इनको चेक किया और देखा कि ये रियल है, यानी कि वो सबसे पहले लीगली चेक करते हैं कि ये जो न्यूज़ है वो रियल है कि फेक है। अगर उनको रियल लगती है, रियल होती है, उनकी डेथ हो चुकी होती है, तो वो वहाँ पर वो इस चीज़ को क्लियरिफाई कर देते हैं, यानी कि रिमेम्बरिंग लिख देते हैं, ठीक है। और देखिए अब आप मान लीजिए, आप नॉर्मल लोगों का तो पता चलता नहीं है, वो ख़त्म हो गए, या फिर उनको मान लीजिए कोई नॉर्मल बिजनेसमैन है, कोई भी मान लीजिए यूट्यूबर है, कुछ भी है, अगर वो ख़त्म हो जाते हैं, उनकी डेथ हो जाती है, तो उनका कैसे होगा? तो उसके लिए आपको वहाँ पर जाकर कॉन्टैक्ट करना होता है, वहाँ पर उसको डेथ यानी कि सर्टिफिकेट ऑफ डेथ दिखाना होता है उस व्यक्ति का, तब वहाँ पर इस चीज़ को लीगली एक्सेस किया जाता है, प्रोसेस किया जाता है दोस्तों। तो आपको मैं बता दूं, देखिए इसको करने के लिए, देखिए एक आपको मैं अपने मोबाइल में मैंने यहाँ पर एक लिंक ऐप खोल रखी है, मैं आपको पढ़ के थोड़ा सा बताता हूँ इसके बारे में, आपको स्क्रीन पर भी थोड़ा सा दिखा देता हूँ। देखिए ये इंस्टाग्राम का ऑफिशियल एक लिंक है, जहाँ पर आप पूरी डिटेल पढ़ सकते हो, यानी कि किसी व्यक्ति की मौत हो जाती है उसके बाद में उसके अकाउंट के साथ क्या क्या किया जा सकता है। देखो मैं आपको बता दूँ यहाँ पर, देखिए आप अकाउंट को अगर रिमूव करना चाहते हो, जैसे मान लीजिए सुशांत सिंह राजपूत की मौत हो गई, उनके घर वाले चाहें लीगली, तो वो इस अकाउंट को मतलब रिमूव भी करा सकते हैं इंस्टाग्राम से। उसके लिए कुछ यहाँ पर कुछ नियम दे रखे हैं, कुछ कंडीशंस दे रखे हैं। देखिए सबसे पहले तो वहाँ पर उसका बर्थ सर्टिफिकेट देना होगा घर वालों को, ठीक है, नंबर एक। उसके बाद दूसरा वहाँ पर होता है कि यानी कि जो भी पर्सन है उसका डेथ सर्टिफिकेट भी देना होगा, जिस पर्सन का अकाउंट आप रिमूव करवाना चाहते हो। उसके बाद में तीसरा है यानी कि आपको एक प्रूफ देना होगा, देखिए प्रूफ ऑफ अथॉरिटी अंडर लोकल लॉ दैट यू आर द लॉफुल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द जो मृतक पर्सन है, ठीक है, यानी कि जो भी मृतक पर्सन है आप उसको लीगली, यानी कि आप उसके घर वाले हो, आप चाहते हो उसको, यानी कि आपको दिक्कत है, आप प्रॉब्लम, यानी कि आप चाहते हो कि हम नहीं चाहते इस अकाउंट को मतलब हमें शो हो या सोशल मीडिया पे रहे, तो इस तरीके से आप अपने वहाँ से रिमूव भी करवा सकते हो। और इसके लिए देखिए आपको यहाँ पर जो भी व्यक्ति मर जाता है उसका अकाउंट मेमोरियलाइज कर दिया जाता है, यानी कि ये चीज़ आप ध्यान रखिए। मेमोरियलाइज क्या होता है? मेमोरियलाइज अकाउंट यानी कि उसकी बस यादें वहाँ पर रहती हैं, फोटो
वीडियो पिक्चर जो भी है एज इट इज आपको वहां पर देखने को मिलेंगी, लेकिन कुछ छेड़खानी नहीं होती है। और उसके साथ साथ ही यहां पर एक नियम और है कि आपको यानी कि जो भी व्यक्ति का जो जिसका भी अकाउंट है उसका किसी को भी लॉगिन आईडी और पासवर्ड कभी भी शेयर नहीं किया जाता है। ये इसके अंतर्गत आता है जब भी कोई अकाउंट रिमेम्बराइंग यानी कि रिमेम्बरिंग में आ जाता है यानी कि मेमोरलाइज हो जाता है, तो उसके बाद में उसका कोई डिटेल जो भी होती है वो शेयर नहीं की जाती है। तो ये चीज़ यहाँ पर सिक्योरिटी के लिए होती है। ठीक है, अब उम्मीद आपको वीडियो में समझ में आ गया होगा कि जो भी व्यक्ति डेथ हो जाती है या कुछ भी हो जाता है तो उसके अकाउंट के साथ क्या किया जाता है, यानी कि उसका अकाउंट सेफ रहता है, बस वहां पर एक रिमेंबरिंग लिखा आ जाता है। साइड में आप स्क्रीनशॉट देख रहे होंगे, तो उम्मीद आपको वीडियो पसंद आई होगी, इंफॉर्मेशन अच्छी लगी होगी, और आप चाहो तो इस अकाउंट को डिलीट भी करवा सकते हो। तो ये भी मैंने आपको पूरा बता दिया क्या क्या चीज करनी होती है। इस वेबसाइट की लिंक जो मैं पढ़ रहा था अभी, इंस्टाग्राम की जो भी लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां पर थोड़ा बहुत इसको रीड करके नॉलेज ले सकते हो। तो चलते इस वीडियो में, वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने सभी फ्रेंड्स में, और चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया था प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी वीडियो लाता रहता हूं। चलते इस वीडियो में नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद गाइस।